पीटीआई के हवाले से अहम खबर शामिल करें। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए मुबैना माली मुआवनत का केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन को अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा कर दिया गया है। मंगल को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन को रिहा करने के अहकाम जारी किए थे। अदालती अहकाम के बाद रऊफ हसन की रिहाई के रूपकार अडयाला जेल पहुंच गई और बाद अजां जेल हुकाम ने उन्हें रिहा कर दिया। अडयाला जेल से रिहाई के बाद एडवोकेट शाइस्ता खोसा और राजा यासिर रऊफ हसन को लेकर रवाना हुए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए मुबैना माली मुआवनत का केस था, जिसमें अदालत ने 2 लाख के मुचलकों के बज उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जमानत मंजूरी के बाद अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन को अडयाला जेल से एडवोकेट शाइस्ता खोसा और राजा यासिर अपने साथ लेकर घर गए। इससे काबिल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की रिहाई की रूपकार जारी की थी। ख्याल रहे कि 3 अगस्त को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन को थाना सीटीडी में बारूदी मवाद बरामदगी के दहशतगर्दी के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था, जबकि पुलिस ने उनके जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त भी की थी। बाद अजां वकील अली बुखारी ने रऊफ हसन को मेडिकल बुनियाद पर अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें सदा की गई थी कि रऊफ हसन की सेहत इस काबिल नहीं कि वो जेल में रह सकें, लिहाजा उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दरख्वास्त में कहा गया था कि रऊफ हसन बी क्लास के हकदार हैं, जिस पर अदालत ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत करते हुए कहा था कि रऊफ हसन के मेडिकल चेकअप करवाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। समाअत के बाद वकील की जानिब से रऊफ हसन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई थी, जिस पर अदालत ने 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए थे कि रिकॉर्ड मेरे पास कई बार आ चुका, अगर रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो फैसला कर लूंगा। इससे कबल 2 अगस्त को मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने रऊफ हसन पर पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत की मंजूरी का हुक्मनामा जारी किया था। आपको हम खबर से आगाह करें, पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए मुबैना माली मुआवनत का केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन को अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा कर दिया गया है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन अडयाला जेल से रिहा कर दिए गए।